नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत का एक ऐसा राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। उस राज्य को घातक फिल्म के विलेन डेनी डेंजोंपा का घर माना जाता है। इस राज्य की खाना इतनी फेमस है कि भारत के गली गली में मिलता है। इस राज्य को भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य माना जाता है। एक ऐसा राज्य जहाँ भगवान के अलावा इंसान की पूजा की जाती है। भारत का सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद भी यहाँ कुल 11 भाषाएं बोली जाती है। इस राज्य को प्यार से सातों बहनों में से सबसे छोटी बहन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चल गया होगा। आज आपको सिक्किम के बारे में कुछ ऐसे बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1974 से पहले सिक्किम अलग एक देश हुआ करता था, लेकिन 1974 में इंदिरा गांधी के दौरान सिक्किम में एक वोटिंग करवाया गया और वहां के लोगों से पूछा गया कि आप चीन में जाना चाहते हैं या फिर भारत में, और वहां के लगभग 97% लोग भारत में आना चाहते थे। यही कारण था कि 1974 में सिक्किम भारत का एक हिस्सा बन गया, लेकिन पाकिस्तान और चीन आज भी इस चीज़ को गैर कानूनी मानते हैं। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ सिक्किम के लोगों से ज्यादा नेपाल के लोग रहते हैं। कहा जाता है कि सिक्किम भारत का हिस्सा बनने के दौरान नेपाल से बहुत सारे लोग सिक्किम में आकर बस गए थे, जिसकी संख्या सिक्किम की आबादी से भी बहुत ज्यादा थी। सिक्किम में स्थित नाथुला पास भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो भारत को चीन की सीमा के साथ जोड़ता है। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ भगवान को छोड़कर इंसान की पूजा की जाती है। यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है जहाँ पर नाथुला जंग की हीरो हरभजन सिंह की पूजा की जाती है। सिक्किम अपनी खूबसूरती और सुंदरता के लिए पूरी दुनिया भर में जानी जाती है, और सिक्किम का गैंगटॉक सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी विश्व में प्रसिद्ध है। सिक्किम को भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य माना जाता है। सिक्किम का सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भारत से सिक्किम जाने के लिए किसी भी तरह का बस या ट्रेन रूट नहीं है। सिक्किम की कुल आबादी सिर्फ 650 लाख है और ये भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। लेकिन शायद आपको ये बात हैरान कर सकती है, ये छोटे से राज्य में कुल 11 भाषाएं बोली जाती है और 3 जाति के लोग रहते हैं। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। मशहूर इंडियन फुटबॉलर बायचुंग भूटिया और मशहूर बॉलीवुड एक्टर डेनी डेंजोंपा सिक्किम के रहने वाले हैं। अगर आप सिक्किम जाने के लिए मन बना चुके हैं तो आप मार्च अप्रैल महीने में जाइए, क्योंकि इस महीने में सिक्किम के पानियों की तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस दौरान यहाँ की नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, और इसी नज़ारे को देखने के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी लोग आते हैं। सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में एक तरह का फ्लैग देखा जाता है जो 5 रंगों से बना होता है, जिसे पंचशील झंडा कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये झंडा लोगों के बीच खुशियां लाता है। भारत का सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक झील सिक्किम में स्थित चांगू झील, जो सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से जम जाता है। वेस्टर्न सिक्किम में स्थित दो घाटियों को जोड़ने वाला सिंगसोर सस्पेंस ब्रिज देश का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा झूलता हुआ ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है। ये राज्य खाने पीने के मामले में दूसरे राज्य से बहुत ही अलग है। सिक्किम के लोग मोमोज, नूडल सूप, छुरपी सूप और दाल भात खाना पसंद करते हैं। सिक्किम के लोग त्योहारों के मुकाबले भारत के किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। लोसर, सागा दाबा, पांग लोहपसोल, अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव और लोसर या सोनम लोसर यहाँ के प्रमुख त्योहारों में गिना जाता है। ये थे सिक्किम के बारे में कुछ अनसुनी रोचक जानकारियाँ। अगर आप उड़ीसा के बारे में ऐसी अनसुनी बातें जानना चाहते हो जो कोई भी नहीं बताता है, तो इस वीडियो पर क्लिक करो।